हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि पहले तो मैं ये बता दूं कि ये व्लॉग मैं जस्ट अभी 2 घंटे पहले अपना व्लॉग पिछला वाला पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। टाटा बाय बाय हो चुका था और अभी मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ क्योंकि किशु चलना सीख गई है। चल के दिखा दो। तो अभी है 16th of June। ये देखो। तो मैंने सोचा कि ये मोमेंट हमेशा के लिए कैप्चर होना चाहिए। तो आज है 16 जून, रात के 12:15 बज रहा है शायद। तो ये पिछले आधे घंटे से यूं ही चल रही है, तो मुझे इसको हमेशा के लिए कैप्चर करके रखना था। तो मैंने सोचा व्लॉग ही शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ से आज का व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, इसे कल भी रखूँगी और जो भी रहेगा आपको बताते रहेंगे। देखते हैं ये अभी रात के क्या। नहीं, ये देखो इसको अभी तो खैर 7-8 कदम बिना सहारे के ले रही है, तो आगे चली लेगी। किशी इधर आओ। तो इसने लगभग सवा साल हुआ ना इसे चलने में। चल तो काफी टाइम से रही है ये, लेकिन सहारे से बिना सहारे के डर रही थी। अब देखो ठीक है। मैंने टीवी को बंद करके रखा है कॉपीराइट के कारण, और इसको चाहिए कि वो करो। यहाँ देखो इसकी मम्मा ने इसको फ्रॉक के नीचे शॉर्ट्स बनाए। हाँ ठीक है। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल। बोल रही है देखना कुछ। क्या बोल रहे हो? जय जय कर रहे हो आप सबको? जय जय कर दो, जय जय करो पहले सबको। अच्छा हैंडशेक कर दो, चलो हैंडशेक कर दो। चलो बोलो गुड नाइट, सब लोग सो जाइए, रात का 1 बजने वाला है, मैं तो सोऊंगा नहीं। और जिस दिन मेरा ऑफिस होता है उस दिन आराम से उठती। जिस दिन मेरा ऑफिस होता है उस दिन ये आराम से उठती है, 10-11 पता नहीं कभी कभी 11:30 हो जाता है जबरदस्ती। और आजकल मेरी छुट्टी है, मैं सोच रही हूँ कि आराम से उठूंगी तो ये 6 बजे उठ के बैठ जाती है मेरे को पकड़ के। ठीक है गाइस, तो फिलहाल अभी का रिसेंट अपडेट ये है, मिलते हैं आपको कल। टिल देन बाय बाय। किशु कॉपीराइट आता है यार, मैं ऐसे ब्लॉग बनाऊं या आपका चैनल लगाऊं? जाओ नानी पास जाओ, जा नानी बुला रही। जा किशु, किशु आ जा। उसको ये है कि टीवी का वॉल्यूम खोलो। तो कॉपीराइट आएगा फिर जाओ चलो। अब तो क्या हो रहा है? ये देखो इसे। ऐसे कौन चलता है किशु? लग गई मम्मा के। पापा बोलो, पापा। अब मम्मा का बोलेगा मम्मा, किशु बोले मम्मा। अरे 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 फोन नहीं लेना, बोल मम्मा। ऐसा नानी भी बोलो ना। ये देखिए गाइस, मेरी किशु आधे में लटक गई है। क्या वो ऐसे ही रहना है? इसको नानी पीछे सिलाई कर रही है और इसको वहां जाना है। अब ऐसे ही रहे, मम्मा तो नहीं छोड़ेगी आपको। किशु सो जा, ऐसे ही सो जा। क्या हुआ? ऐसे क्यों सो रहे हो आप? उतरो, पूरा नीचे उतरो। वेरी गुड। चलो सीख ले नानी से, सीख ले जरा। क्या सिखा रही है नानी? नानी कर रही है ऑल्टर। करो। चल मम्मा, कैसे चलाते मशीन? ऐसे करो, ऐसे कैसे चला रही नानी मशीन? देख किसी, गाइस मम्मी को परसों जाना है और मेरे जितने भी सूट ऑल्टर के लिए थे वो मैंने मम्मी से करवा दिए हैं। हाँ ये लो, ये लो। चलो अब मैं किशु के नहाने की तैयारी करती हूँ। क्या कर रहे हो किशु आप?
गुदगुदी कर रहे हो नानी को? हाँ गुदगुदी होती है उससे। कैसे कर रहे हो? कहाँ गई किशु, कहाँ गई किशु, क्या कर रही है किशु? परेशान कर रही नानी को? अच्छा पारी कर रहे हो? पारी कर रहे हो? नहीं नहीं गुदगुदी हो रही है। फिर उठेगी, फिर उठेगी। प्लीज नहीं करना, प्लीज नहीं कर। नहीं पारी कर दो नानी को। हे भगवान। नहीं नो, देखने भी आ रही ना। क्यूट क्यूट करो नानी को। क्यूट क्यूट हो रहा, क्यूट क्यूट। किशु पापा बोल दो। पापा बोल पहले। तो गाइस आज है फादर्स डे, और फादर्स डे के उसमें हम लोग घर में बना रहे हैं केक। मुझे जितना याद है मैंने लास्ट केक लास्ट ईयर फादर्स डे में बनाया था, तो आज फिर से मैं कल केक का सामान लेके आई हूँ और अगेन आज केक बनाने वाली हूँ। तो उसमें पहले मैंने एक मग, ये जो होता है मतलब आपका जो मिल्क मग होता है ना पीने वाला कप, उसमें अभी हम तीन लोग ही हैं, तीन क्या दो हैं खाने वाले, किशु थोड़ा सा टेस्ट कर लेगी तो कर लेगी, उसके हिसाब से बना रही हूँ। तो एक मग मैंने मैदा ले लिया है और यहाँ पे ये चीज़ें रख दी है। मैं बताऊँगी कितना उसका आपने लेना है, कितना स्पून लेना है। अंदर मैंने इसका बैटर के लिए दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये मैदा ले लिया है एक कप, और इसमें जितना हमने मैदा लिया उतना ही हमने दूध लेना है, उतनी ही हमने चीनी लेनी है। और इसमें मैंने तीन ढक्कन डाले हैं, मतलब अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो चार टेबल स्पून विनेगर और आधी कटोरी हमने इसमें डाला है रिफाइंड। इसको मैं मिक्सी में चला लूँगी और बहुत ही थिक एक जेली टाइप इसका पेस्ट बन जाएगा। तो बहुत इजी है, आधे घंटे में केक बन जाता है, मतलब जो उसका बैटर है वो तैयार हो जाता है। कुकिंग क्योंकि अवन मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो 40-45 मिनट्स कुकिंग में लगता है। उसके बाद मेरे पास है कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और सोडा लास्ट में पड़ता है, बिल्कुल जब हम बेकिंग के लिए डालने वाले होंगे उस टाइम पर सोडा पड़ेगा। तो ठीक है बना के दिखाता हूँ आपको। पिछली बार जो मैं गलती से ले आई थी वो मैं चॉकलेट पाउडर लेके आ गई थी, फिर भी मैंने उससे बनाया था और टेस्टी बनाऊंगा। लेकिन आप कोको पाउडर लेके आइए अगर आपको डार्क चॉकलेट केक पसंद है। और वहाँ मेरी बेटी इडली इडली बनाने की तैयारी कर रही है। तो ये टू टेबल स्पून जितना है, कम ज्यादा आपको जितना डार्क चाहिए। तो मैं सिर्फ 1.5 टेबल स्पून मैं लेती हूँ, चॉकलेट फ्लेवर मुझे ज्यादा नहीं पसंद। ये ले लिया और इसमें बेकिंग पाउडर आ जाएगा हमारा 1 टेबल स्पून। तो जब आप लें तो इस तरीके से निकाल, ये हमने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। ठीक है अब हम इसका अच्छा सा बैटर बना देंगे। ये प्रीमिक्स जो आपका सोल्यूशन है ये लेके और इसका एक एक तार का जो बैटर रहता है वो बना देंगे। तो ये मैंने बैटर मिक्स करके रख दिया है, वो जितना भी पाउडर फॉर्म में था। और उसके साथ ये इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस। वैसे मैं हमेशा वनीला से बनाती थी, बट जब से पाइनएप्पल डालने लगी तो पसंद आया बहुत लोगों को। 2-3 ड्रॉप्स ऑफ पाइनएप्पल एसेंस और थोड़ा सा वनीला। वनीला तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। आजा बाहर आजा। अब मैं किशु केक बन रहा है ना, तो ये हम सारा, नहीं किशु नहीं अभी नहीं काटना केक, ठीक है पहले बनने दो। सारा बैटर इसमें हम पोर कर देंगे। यम्मी यम्मी। किशु कैसा हो रहा है, कैसा लग रहा है किशु? और इसमें मैं ऊपर से डालूंगी भी टूटी फ्रूटीज एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। चलिए तो ये हमारा केक बनके तैयार हो गया है। बेकिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जो मैंने ऊपर से गार्निशिंग की थी इसमें वो अंदर
अंदर चलेगा, जो हम खाएंगे तो मिलेगा, तो वो जो ऊपर उठता है ना बेक होते होते, तो वो अंदर चला गया है। बाकी बेकिंग बहुत अच्छी हुई है और किशु इतनी एक्साइटेड हो रही है काटने के लिए। तो वैसे तो ये फादर्स डे के उसमें मनाया गया था, बट इसमें तीन चार पर्पस इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। फादर्स डे हो गया, मेरा 1K सब्सक्रिप्शन सेलिब्रेशन हो गया, और हाँ बस 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 काटने वाले हैं, ठीक है। और बस अब नेक्स्ट वीक मम्मी का बर्थडे भी है, तो किशु और मम्मी से केक कटवाते हैं। चलिए आ जाए किशु, तुम काटो ना, मैं बनाती। अच्छा ठीक है चलो। पहले तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर लास्ट वीक जब मैं घर में थी, मतलब 10-12 दिन पहले ही हो चुके थे, बट हमें मौका नहीं मिला। अच्छा ठीक है, किशु को बहुत ज्यादा पता है बेटा ऐसे काटते हैं, फिर होना हैंड। अरे नहीं नहीं देख कैसे आई होती, देखो। किशु की मम्मी केक बनाती रहती है ना, बहुत अच्छा हुआ है, बेकिंग अच्छी है। ले बेटा ले, कैसा हो रहा किशु? किशु कैसा हो रहा बेटा? कैसा हो रहा है? यम यम है, यम यम। अच्छा खुद से खाना है उसे, आ जाओ मम्मा। खा लो बेटा खा लो, चाकू नहीं मिलेगा आपको, खाओ। कैसा हो रहा किशु? मम्मा खाने तो दो। ओ बाबा खुश हो गई, यमी हो रहा है। अच्छा कैसा हो रहा है एक बार बता दो किशु, कैसा हो रहा है? यम यम। दूध कैसे पिएगी? तो ठीक है गाइस, किशु को भी केक पसंद, किशु को भी केक पसंद आ चुका है। हम लोग भी केक काटते हैं, अब खाते हैं। ये देखिए मस्त मजे ले रही है। तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। हाँ, और इडली मेकर मंगाया था, इडली भी बन चुकी है। डिनर में हमने इडली ही खाई है, तो किशु को ना पूछने की भी जरूरत, उसे इतना पसंद आ गया है कि ताली से क्लैपिंग करके एक्सप्रेस कर रही है। कैसा हो रहा बेटा? चलो एंड कर देते हैं व्लॉग को। पसंद आ गया, ठीक है। मम्मा बनाया करेगी अब से आपके लिए। हाँ ठीक है, वो सबको खिला रही है, वेरी गुड। शेयर तो हर चीज करती है किशु। खिला दो सबको, खिला दो, खिला दो, थैंक यू। अच्छा हैंडशेक कर दो एक बार किशु, हैंडशेक कर दो। नहीं अभी केक ही खाना है, अभी केक ही खाना है। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।